ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शशि भूषण मेहता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के विरोध में सुचित्रा मिश्रा के परिजनों ने बीजेपी कार्यालय में जमकर बवाल काटा। मामला बिगड़ता देख किसी तरह परिजनों को मंच से नीचे उतारा गया। क्या हुआ था मंच पर, आइए देखते हैं। परिजनों का कहना था कि 7 साल हो गए हमसे हमारी माँ को दूर किए हुए, अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। 17 डेट पार हो गए, अब भी हियरिंग में शशि भूषण मेहता कोर्ट नहीं पहुँचता है। और अगर ऐसा आदमी बीजेपी जैसी आदर्शवादी पार्टी में शामिल होगा तो इससे बीजेपी की छवि जनता के बीच धूमिल होगी। परिजनों ने सुचित्रा मिश्रा के फोटो और कोर्ट के कागजातों के साथ बीजेपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो पार्टी में शामिल होने वाला है, जो शशि भूषण प्रसाद मेहता जो कि ऑक्सफोर्ड स्कूल के निर्देशक है, वो मेरी माँ की मेरा माँ का हत्यारा है। वो हम लोग बस इसी बात के विरोध करने के लिए आए हैं कि कैसे आप एक हत्यारे को, जिसने जो दो बच्चों को अनाथ बनाया नाबालिग की उम्र में, उसे कैसे आप पार्टी में शामिल कर सकते हैं। हमें बस यहाँ जस्टिस चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। अगर शामिल करते और टिकट देते हैं तो इसका विरोध पूरे राज्य में होगा और हो सकता है ये दिल्ली तक भी हम ये विरोध को लेकर जाएंगे, क्योंकि वह एक हत्यारा है। और सिर्फ मेरी ननद का ही बात नहीं है कि उसने हत्या किया है, वो समाज में किसी भी लड़की किसी भी महिला के को सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर वो लोग अगर उनको पावर मिलता है तो महिलाएं और भी असुरक्षित हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उनको टिकट ना दिया जाए, ना भी भाजपा में शामिल किया जाए। मेरा नाम संध्या पांडे। इस तरह की घटना बीजेपी के सेहत के लिए कितनी हानिकारक होगी ये तो पार्टी देख लेगी, पर चुनाव पूर्व मिले ऐसे मुद्दे पर विपक्ष को जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का मौका जरूर मिल गया है। सबरंग समाचार के लिए कैमरामैन रिजवान के साथ आशीष की रिपोर्ट।